हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राशिद खान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भट्टे में आग कैसे लगती है और ईंट कैसे पकाई जाती है। तो दोस्तों, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने ईंट मेकिंग होती है, मतलब कच्ची मिट्टी के ईंट बनाए जाते हैं। और जैसे फरवरी स्टार्ट होती है, सभी भट्टों में आग लगती है, मतलब सभी भट्टों की ओपनिंग होती है ईंट पकाने की। तो यहाँ पर जो मेरे पीछे भट्टा है, आज यहाँ पर ओपनिंग थी, लोगों की दावत थी, तो आज से ही यहाँ पर ईंट पकाना शुरू हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में शुरू से आखिर तक दिखाऊंगा कि कैसे भट्टों में आग लगती है और ईंट कैसे पकाई जाती हैं। और जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी मैं बातचीत करूँगा, उनसे पूछूँगा कि वह यहाँ पर वो लोग कैसे काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भट्टे में आग लगाई जा रही है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये अपने आग लगाने से पहले पूजा पाठ करते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार ही भट्टे में आग लगाते हैं, क्योंकि ये एक बार आग लग जाती है तो ये जब तक भट्टा बंद नहीं होगा तब तक जलती रहेगी। तो यहाँ पर आग लगा दी गई है और ऊपर देखिए कुछ लोग अभी खड़े हैं जो अभी इसमें लकड़ी डालेंगे। और दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि ईंट को कैसे सेट करते हैं। तो देखिए, ये भट्टे की गुलाई में है, ये ईंट लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारी ईंटें पहले भट्टे के चारों ओर सेट की जाती हैं भट्टे में आग लगाने से पहले। तो देख सकते हैं इसमें ईंट लगी हुई है और आप यहाँ पर देखिए ये गुलाई है भट्टे की, ये मतलब भट्टे की चारों तरफ की गुलाई है। तो एक साइड में भट्टे में ईंट लगी हुई है और दूसरी साइड दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अभी आधे भट्टे में ही ये ईंट लगाई गई हैं। इस साइड में देखिए भट्टे में आग लगाई गई है। तो करीब से आपको दिखाते हैं कि कैसे आग लगाने के बाद इसमें लकड़ियाँ डाली जा रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए भट्टे के ऊपर अभी सब लोग खड़े हुए हैं, जो गुलाई है और गुलाई के आर पर जो ईंट लगी हुई है। तो ये देखिए पहले भट्टा है, ये है, और जस्ट भट्टे के नीचे यहाँ पर देखिए आग जल रही है नीचे, और ऊपर से ये लोग लकड़ियाँ डाल रहे हैं। ये इन्हें 24 घंटों लकड़ियाँ इसमें डालते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए आग जल रही है, ये देखिए आग अच्छे से जलने लगी है, और यहाँ से भी आग को ये सेट कर रहे हैं और ऊपर से लकड़ियाँ डाली जा रही हैं। ये बराबर ऊपर भट्टी बनी हुई है और उस भट्टी से बराबर लकड़ियाँ डाला करते हैं। यहाँ पर 24 घंटे मजदूर काम करते हैं और ये आग को बुझने नहीं देते। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऊपर से करीब से कि किस तरीके से ऊपर से लकड़ियाँ डाल रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर कि यहाँ पर देखिए आप लोग, आप समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये भट्टियाँ बनी हुई हैं और इसी में बराबर लकड़ी डालते रहते हैं और ये भट्टियाँ चेंज भी होती रहती हैं। देखिए इसमें ये गोल तावे के टाइप के बंद हैं, क्योंकि ये लकड़ियाँ भरने के बाद ये बंद कर देते हैं ताकि इसका प्रेशर बाहर ना निकले। ये जो धुआं निकल रहा है इसको बंद कर देते हैं ताकि ये धुआं बाहर ना निकले। और ये आप लोग देखिए कि ये जस्ट भट्टे के नीचे का नज़ारा है, ये जो प्रेशर जो बनता है जब आग लगती है। तो देखिए इस तरीके से ये जो आग निकली, धुआं जो निकल रहा है, ये चिमनी के द्वारा ऊपर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए ये है नीचे का होल और ऊपर देखिए ये भट्टा है, और जस्ट भट्टे के नीचे देखिए ये आपको दिखा रहे थे, यहाँ से प्रेशर बनता है जो आग लगाई जाती है। तो चारों तरफ आग जल रही होती है और जो उसका प्रेशर बनता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये यहाँ से धुआं चिमनी के द्वारा बाहर निकलता है। तो देखिए ये चिमनी के द्वारा बाहर निकल रहा है धुआं, और यहाँ पर ये सब खड़े हुए हैं, यहाँ पर सारी ईंटें सेट हैं और इन ईंटें के बीच में देखिए ये घर बने हुए हैं जिसमें ये लोग रहते हैं। इस साइड में देखिए ये जो मज़दूर यहाँ पर काम करते हैं तो 24 घंटों यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इन्हें 8-8 घंटे अलग अलग सबकी ड्यूटी होती है। तो ये लोग 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं और लकड़ियाँ डालते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ईंट सेट है, देखिए ये भट्टे की आधी गुलाई है, आधी गुलाई में इस तरीके से ईंट सेट है, और ये जो आग जल रही है इसी से ये चारों तरफ आग फैलती है और ईंट पकती है। और ये देखिए आप लोग, ये है इसकी देखो गुलाई, ऊपर से दिखा रहे हैं, देखिए ये अभी खाली, इसमें भी ईंट भरा जाएगा, और इस साइड में देखिए ईंट लगा हुआ है। तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के, हाँ। तो कब तक यहाँ रहेंगे आप लोग? हम लोग 5 महीना। 5 महीने तक, हाँ। तो सैलरी मिलती है आपको कि रोज का पैसा? सैलरी
कितनी सैलरी है? 10,000 रुपये महीना। महीना खाना वाना? खाना अपना है। अपना है। और ड्यूटी कई घंटे की है? 8 घंटे। 8 घंटे। ईटा मतलब कितने दिन में पक जाएगा, कितने महीने लगेंगे इसको पकने में? पकने में का ज्यादा ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा, 7-8 दिन में निकासी होने लगेगी। 7-8 दिन में वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग, तो गोले में। अच्छा, वहाँ तक? हाँ, जो दिख रहा झंडा होते वहाँ तक पहुँचेंगे 8 दिन में। तो हर 8 दिन में निकासी होती है? हाँ, हाँ, फिर निकालती सब, फिर निकासी होता रहेगा। होता रहेगा। अच्छा, पूरी सीजन निकासी एक बार भी रुकेगा नहीं, मतलब 3-4 महीने लगातार निकासी होती है? निकासी, भराई, फुकाई सब लगातार रहेगा। और आप लोग लगातार काम करते रहेंगे? काम करते रहेंगे इधर हम लोग। अच्छा, कुछ आदमी बिलासपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के, कुछ आदमी यहाँ बिहार के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जोकवा जो है प्रतापगढ़ के हैं। अच्छा, तो 8-8 घंटे सबकी ड्यूटी अलग अलग होगी? हाँ, ड्यूटी अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग है कि 8 घंटे ऑफ है तो आपके बाद 8 घंटे कोई और बैठेगा, उसके बाद 8 घंटे कोई और बैठेगा, मतलब 24 घंटे यहाँ पर रहना है, और ये मतलब अलाव जो है ये जलता रहेगा, जलता रहेगा, बंद नहीं होना चाहिए इसको, ऐसा ही बंद होगा तभी जब बरसात में आखिरी का होगा। अच्छा, जब बारिश होगी तभी बंद होगा? बंद होगा ये, तब ईटा भी जो बंदा बंद हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा तभी तो, फिर पक्का बंद आएगा, फिर वहीं से हम लोग फिर आग को रोक देंगे वहीं जाके। तो ये ईटा लगाने में कितने दिन लगते हैं आप लोगों को, ये जो लगाया गया है? ये तो आधा घंटा लग जाते हैं यार, एक लाइन आधा घंटे में 4,000, एक लाइन में 4,000, वो आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, तो एक बार में ईटा लगभग कितना पक जाता है, कितने हजार पक जाता है? हाँ, 24 घंटे 12 लाइन 50,000 पूरा पकत है 24 घंटे के अंदर। हाँ, 24 घंटे के अंदर, मतलब हर हफ्ते 8 दिन में ईटा मतलब अच्छा खासा पक जाता है, और एक तरफ ईटा पकता रहता है, दूसरी तरफ ईटा निकासी निकासी चालू रहती है, चालू हो जाता है। इससे कोई खतरा तो नहीं रहता आप लोगों को? नहीं, नहीं। आग के पास आप लोग रहते हो हमेशा? चलना पड़ता है, ऐसा भी बात है। हाँ, ये जहाँ पर हम लोग खड़े हुए ना, ये सब ईटा इस वक्त पक रहा है, तो यहाँ से जो आग जिसे लगाई गई यहाँ पास से, तो ये कहाँ तक लेगी, मतलब कहाँ तक जलती है? ये पूरा गोली दिख रहा है आपको? वो जो झंडा लगा ना वहीं तक पूरा जाएगा ये, ये जो बल्ब है वहाँ, ये घुमाई जो है, पीला वाला जो पन्नी लगा है वहीं तक जाएगा, आग है वहीं तक। अच्छा, पीला पन्नी ड्रम बॉक्स तो निकालते आप लोग की दूसरे लोग निकालते? हम लोग निकालते हैं, ये दूसरे, हाँ ये लोग निकालेंगे। अच्छा, कोयला भी भरते हैं हम लोग, कोयला भी भरेंगे इसमें जो ट्रक दिख रहा है वो, उसी में हम लोग कोयला भी भरेंगे। हाँ, और फिर निकासी भी करेंगे हम ही लोग। अच्छा, मतलब आप लोग को ड्यूटी करना है 8 घंटे, चाहे कोयला भरना हो, आग लगाना हो, या अच्छा, कोयला की तनख्वाह अलग है, निकासी का तो तनख्वाह अलग है। अच्छा, निकासी वाले अलग है? हाँ, कोयला भर निकासी करेंगे, करेंगे नहीं लोग, लेकिन उसका पैसा अलग मिलेगा। अच्छा, ड्यूटी 8 घंटे के बाद ओवर टाइम करेंगे? ड्यूटी दिन में तो 1 घंटा होती है, 1.5 घंटे के बाद, उसके बाद अच्छा निकासी वाला काम कर सकते, निकासी वाला काम इसमें तो भरी होगी। और जो ये साइड में, जो साइड में ये जो मौके खुले हुए हैं, वो होल है, होल वो जो लगा है सैन, हाँ उसी से वो खींचेगा, फिर चिमनी खींचेगा उसी से। अच्छा, चिमनी ये जो ऊपर जो लगी हुई है, सबसे ऊपर धुआं निकलेगा, वही से जो धुआं निकल रहा है वैसे निकलेगा। अच्छा, धुआं जो निकल रहा है, तो ये जो मौके जो है ये खोल दिए जाएंगे? हाँ, उसको रख दिया जाता है, अटैच हो जाता है दोनों तरफ से, कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, उसको उठा के इसमें जो धर दिया जाता है तो भट्टा से हवा खींचने लगता है। अच्छा, जो इसमें गैस रहता ना तो फिर बाहर खींचता रहता, अंदर ही सेंट अपने अंदर खींचता रहता होल तरफ हवा। हाँ, गैस को इसका, तो फिर चिमनी से बाहर निकाला था इसको, हवा को। हाँ, तो वो जो गैस बनती है वो चिमनी के ऊपर से निकल जाती है? चिमनी से निकल जाता है। अच्छा, जैसे ये ईटा जो पकाया जा रहा है और इसमें जो गैस बनती है, जो खिंचाव होता है, ये ऊपर निकलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दावत चल रही है, साल की शुरुआत में जब भट्टे में आग लगती है, भट्टा शुरू किया जाता है, तो उस वक्त लोगों को दावत दी जाती है और उनके खाने पानी का इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और अभी भी आ रहे हैं और वो नाश्ता पानी खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये हैं गाँव के बच्चे, मतलब यहाँ पर आस पास के जितने लोग हैं रहते हैं गाँव में, उनके ये सब बच्चे आए हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।